आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जॉब करते वक्त कौन से बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं या कौन से बिज़नेस कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ऐसा रहता है कि कभी कभार हमारे पास हमारी जो सैलरी आती है, ओके, वो सैलरी से उतने सब खर्चे या हम सेविंग नहीं कर पाते, तो हमारा इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए हम क्या करना चाहते हैं या हमारे माइंड में रहते हैं कि नहीं भाई, पहले मेरा बिज़नेस एक अच्छे से सेटअप हो जाए, फिर मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा, ऐसी वाली भी मेंटेलिटी रहती है। या थर्ड वाला ऐसा रहता है कि भाई, मुझे पार्ट टाइम कोई जो टाइम मेरे पास है, मैं उसको यूटिलाइज़ करना चाहता और वो यूटिलाइज़ करके मैं पैसे कमाना चाहता। तो ऐसे बहुत सारे ज़रिए रहेंगे कि आप हमेशा सोचते रहते हो कि जॉब करते वक्त हम कौन सा दूसरा एक्टिविटी करके उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये वीडियो उनके लिए है। तो पहली चीज़ है, देखो, ऑनलाइन बिजनेसेस आप कोई भी काम कर सकते हो, मतलब आप हमारे से जुड़ के। ओके, ये जो बेनिफिट्स हैं हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो वैसे वैसे में काम आप कर सकते हो हमसे जुड़ के। फिर सेकंड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे $100 लिखा हुआ है, आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, आपके ऊपर आप जैसे बिजनेस करना चाहते हो वैसे हमसे जुड़ने के बाद। और फिर थर्ड वन है स्टे, आप घर से भी काम कर सकते हो, मतलब ऑफिस के आने के बाद आप घर में बैठे हो तो उस टाइम पे भी आप ये काम कर सकते हो। ओके, पैसे वाले भी हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि एनी टाइम कैंसिल 100% रिफंडेड। तो मतलब ये क्यों है पता है, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है, हम अपना सेविंग लगाते हैं, राइट, और हम अपना सेविंग लगाते टाइम हमें ये भी सिक्योरिटी चाहिए कि कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम निकाल सकते हैं। अगर वो हमने नहीं निकाल सकते तो मतलब ही नहीं हो सब इन्वेस्टमेंट सब करके। ओके, तो हम यहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं कि जहाँ पे आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट से आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो वो आप अपना 100% कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी। ओके, मतलब मिनिमम लॉकिंग पीरियड रहेगा कि 6 मंथ जो भी है, 1 ईयर जो इसके हिसाब से जो भी आप बिज़नेस चूज़ करते हो उसके हिसाब से, बट उसके बाद आप कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हो। ओके, आप कहीं पे भी रहो, आप वहाँ से डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वो विड्रॉल कर सकते हो, राइट, ऐसे सबसे भी। और बाकी के भी बेनिफिट्स हैं उसके बारे में, अगर जिनको भी ये काम करना है हमसे जुड़ के, तो आप मुझे हमारे मेल आईडी पे मेल करके इसके बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी ये जो बिज़नेस टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है वो डिपेंड है, मतलब देखो, ये वीडियो देखने वाला बंदा कोई मतलब क्या स्कूल की पढ़ाई करके रहेगा या कोई एजुकेटेड रहेगा, कोई भी रह सकता है। तो उसके हिसाब से हमने जो एक कंटेंट रहते हैं, मतलब जैसे कैटेगरीज रहते हैं, उसके हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड किया हुआ है। तो जैसे देखो, टाइम है, टाइम मेन चीज़ का, जिस बंदे के पास भाई टाइम का वैल्यू है, मतलब टाइम बहुत ही काम है और वो टाइम के हिसाब से कमाना चाहता है, तो भाई तुम एजुकेशन में तुम शेयर मार्केट ब्रोकर बन के भी कमा सकते हो। फिर तुम अगर तुम कोचिंग करते हो, अच्छे पढ़ाते हो, तो आप कोचिंग के थ्रू भी काम कर सकते हो। फिर उसके आगे फिर और तुम एक काम कर सकते हो, अगर टाइम पे रिलेटेड है तो तुम जिम ट्रेनर बन जाओगे, तो उसके हिसाब से भी तुम काम कर सकते हो। ओके, तो कैसे, ये टाइम का वैल्यू है, जैसे आधा घंटा एक घंटा हो, उसके आगे फिर तुम्हें कोई पकड़ के नहीं बैठेगा, नहीं भाई एक घंटा हो गया अभी रुको 2 घंटा हो गया, वैसा नहीं है। क्योंकि इसका जो टैरिफ डिज़ाइन किया जाता है ना, वो टाइम के हिसाब से ही रहता है, जैसे 1 घंटा में पढ़ाऊँगा, 2 घंटा में पढ़ाऊँगा या जो भी है। ओके, तो उससे रिलेटेड वो आपको पैसा मिलता है। शेयर मार्केट में भी कैसा है कि आप जो भी आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप ट्रेड करते रहते हो, फिर शाम का हो गया फिर बंद, फिर आप कोई लेक्चर दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उसके हिसाब से भी जा सकते हो। ओके, और अगर मैं बात करूँ कि जिनका एजुकेशन बहुत ही कम है, तो वो फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकता है, वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ध्यान दे सकता है। ओके, जो भी उनको आता है उसके ऊपर, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टाइम, एजुकेशन, हॉबीज़, उसके हिसाब से आप काम मतलब डिसाइड कर सकते हो। और रही बात, उसके आगे बात आ जाती इनकम, इनकम सोर्स कैसा है पता है, जैसे अभी आपने कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, ओके, आप कैब चला रहे हो,
फिर आप चला रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कई हॉस्टल कई रेस्टोरेंट पे आप जॉब कर रहे हो नाइट शिफ्ट में या जो भी इवनिंग के बाद, या आप काम कर रहे हो सुबह का अगर टाइम का काम कर रहे हो, तो आप पेपर ले रहे हो बल्क क्वांटिटी में और उसको बेच रहे हो, मिल्स ले रहे हो उसको बेच रहे हो, ये भी आप बिजनेस में कर रहे हो। तो देखो ये तो खुद करते हो, मतलब कई लोग बोलेंगे भाई ये तो जॉब है, इसमें बिजनेस कहाँ से आ गया। तो देखो आप जब करते हो तब वो सिंगल करते हो तो जॉब हो जाता है, लेकिन आप जब आपके हिसाब से ही मतलब जितने ग्रुप बना के काम करते हो कि ये एरिया में मैं काम देखूंगा, वो एरिया में मैं काम देखूंगा, जैसे पहले आप पेपर खुद बेचते थे, अभी आप पेपर खुद लेते हो और दूसरे को बेच देते हो, मतलब 3-4 बंदे रखे और वो डिवाइडेड करते हैं, वैसे वाला भी काम हो सकता है। जैसे पहले आप फिटनेस ट्रेनिंग खुद सिखाते थे, आपने अभी आपके पास नाम बन गया, अभी आपके पास कांटेक्ट आ रहे, अभी आप दूसरों को वो सब एजुकेशन दे के उनको तैयार करके सिखाने के लिए बेचते हो, कराटे या बॉक्सिंग जो भी है क्लासेस। जैसे ये स्कूल में आपका एक नाम हो गया, वहाँ पे आपने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हो, तो दूसरे वाले स्कूल में भी पढ़ाने के लिए जाते हो, वहाँ पे भी बंदा बना के रखा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर वो एक बिजनेस हो जाता है, ओके, मतलब आप कन्वर्ट कर देते हो धीरे धीरे। तो यही है हॉबीज़ की बात रहती है, मतलब क्या है कि टाइम आपके पास कितना है, आपके पास उस बारे में नॉलेज कितना है, और आप उस बारे में पैशनेट कितने हो, आप मतलब वो हॉबीज़ है क्या, आप थक तो नहीं जाते कि बोर तो नहीं होते, ये भी देखना ज़रूरी है। फिर उसके हिसाब से आपको इनकम सोर्स जनरेट होता है, ये कभी भी याद रखिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी सेकंड ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो ना, वो बोरिंग वाला नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें आपका पूरा का पूरा 100% आना चाहिए, तभी आपको अच्छा सा ग्रोथ उसमें मिलेगा, आप काम करोगे अच्छे से और वही चीज़ को आप आगे तक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे। जैसे कोई डेवलपर है, कोई डिजिटल मार्केटिंग करने वाला बंदा है, तो वो स्टार्ट में कर रहा है छोटा मोटा, बट बाद में जैसे उसके कलीग फ्रेंड हो गए या बाजू के ऑफिस वाले फ्रेंड हो गए या उसका जो ट्रैवलिंग करता है वो बस वाला फ्रेंड हो गया, ट्रेन में बैठने वाला फ्रेंड हो गया, या वो बाइक्स जिसके साथ शेयर करता है या कार जिसके साथ शेयर करता है वो वाला फ्रेंड हो गया, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। ऐसे नहीं कि एक दिन में आपने प्लान बना दिया और एक दिन में सब लोगों ने डिसाइड कर दिया, तो भाई वो ज़्यादा देर तक भी नहीं रहेगा, क्योंकि कभी भी याद रखिए पहले खुद को स्टार्ट करना है, आपको पहले खुद को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें सब कुछ बारीकी या जो भी छोटी छोटी चीज़ है वो आपको पहले सीखनी पड़ेगी, क्या है उसमें सिक्योरिटी ये सब कुछ, और फिर बाद में आप जिसको भी चाहिए उसको इन्वॉल्व कर दो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही इन्वॉल्व करोगे ना, तो वो बहुत ही बड़ा बर्डन रहेगा, फिर आपको भी नहीं पता रहेगा कि एक्चुअली ये कैसे वर्क होता है क्या नहीं है, और फिर आप दिखा दोगे, जैसे बोलते हैं ना कि खुद को खुद की गाड़ी रहेगी, और अब अगर आप दूसरे को चलाने के लिए दे रहे हो तो उसमें वो कैसे चला रहे हैं आपको पता भी नहीं है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है ये चलाने के बाद, कहाँ कहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ पे वेस्ट होता है, अपना टाइम वेस्ट होता है, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। जैसे आप कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपिंग वाला काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको क्या चीज़ है, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे एक ही टेम्पलेट उठा दिया वैसे ही दे दिया, तो भाई सबकी वेबसाइट एक जैसी दिख रही, तो वो मीनिंगलेस है, क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। तो अगर टीम वर्क रहता है, जो बिजनेस रहता है ना, तो उसमें कभी भी याद रखिए सेटिस्फाई मत रहिए, मतलब बोल रहे ना संतुष्ट मत रहिए कि भाई हाँ हो गया, अरे हाँ हो गया मैंने बहुत बड़ा, नहीं है, उससे भी बेहतर कैसे कर सकते हो इसको ही बिजनेस पे, तभी आप मार्केट में टिक सकते हो, वो बेहतर चीज़ बेहतर से बेहतर बनाना और क्वालिटी मेंटेन रखना, और दूसरी चीज़ किफ़ायतचीर ये भी ज़रूरी है, और टाइम पे देना, कमिटमेंट देना, ये भी चीज़ ज़रूरी है। तो ये धीरे धीरे होता है, ऐसे नहीं है कि आप बोलो कि यार मेरा तो दिन का 1-2 घंटा जा रहा है, क्या बड़ी बात है, कितना बड़ा मैं ट्रेड कर लूँगा, अभी तक मुझे शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो आप धीरे स्टार्ट कीजिए, आज स्टार्ट करोगे डेली उसका डेली उसको कंट्रीब्यूट करोगे अपना टाइम अपना नॉलेज जो भी है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, आप एडवाइज़र बन रहे हो किसी भी इंश्योरेंस का या फाइनेंशियल एडवाइज़र बन रहे हो, तो आप धीरे धीरे अपडेट करोगे, लेकिन आपको ये ट्राई करना है। इसमें इसके लिए मैंने एक बिजनेस में रूटीन वाला एक वीडियो बनाया, वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसमें कैसे रूटीन आपको मेंटेन करना है। ओके, क्योंकि आप कैसे कर सकते हो, आपको एक तो फिक्स सैलरी है और दूसरी चीज़ है आप कुछ करना चाहते हो, और आपके साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त रहते हैं, कई लोग ऐसे भी जुड़ जाएंगे आपसे कि भाई हाँ ठीक है मैं मेरा सेविंग का 10% तुम्हें दे देता हूँ, 10% या 20%, और चलो मैं रहूँगा, तुम काम कर लो जो भी, बाकी का बैकेंड में तुम्हारा जो भी हेल्प रहेगा
लगेगा वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसे वाले भी बंदे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका एडवांटेज है कि आप जॉब में रह कि स्टार्टअप कर दो, और फिर जैसे शुरुआत होगी आपको लगे कि हाँ बहुत अभी प्रेशर बढ़ रहा है, इनकम सोर्स भी बढ़ रहा है, छोड़ दीजिए। ओके, फिर उसको एक नाम देके एक अच्छा कंपनी लीगलाइज रजिस्टर करके जो भी कायदे कानून से चलता है उस हिसाब से काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको अगर हेल्प लगेगी या कुछ भी रिक्वायरमेंट है आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार है सर्विस देने के लिए। ओके नेक्स्ट। ओके, यहाँ अभी अभी एक काम कैसे करेगा जो बेनिफिट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहली तो चीज़ हमेशा की तरह अपने क्वेश्चन और अपने बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना ये ज़रूरी है फर्स्ट, तभी तो हम जान पाएंगे कि हम किसके लिए और किस तरीके से आपके आपको लिए कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करें। फिर कॉल करेंगे हम, ऑडियो या वीडियो दोनों भी हो सकता है, मीटअप अरेंज करेंगे। तीसरा ही बात है, जब सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा तब कॉन्ट्रैक्ट साइन एंड पेमेंट। ओके, ये सब कुछ डिटेल हो जाने के बाद ट्रेनिंग होता है आपका, और ट्रेनिंग हो जाने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ओके, अब ये देखो ये चीज़ कैसी है कि कोई भी काम या वर्कशीट आपको दिया जाता है या काम किया जाता है, इसमें हम ये मतलब चाहते हैं कि देखो कैसा, अगर आप होमवर्क करोगे नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट मीटिंग होगा, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। रही बात मैं अगर $100 पे काम कर रहा हूँ या उसे मैं कमा रहा हूँ, तो मैं महीने का कितना कमा सकता हूँ, तो देखो ये कमाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हम एक श्योरिटी ये लेते हैं कि आपको मिनिमम 10% तो मिले ही हर महीने। ओके, उस जो भी आप अमाउंट से कमा रहे, तो ये प्रिफर कीजिए कि पहले छोटे से शुरुआत कीजिए, जैसे ऐसा का आपका कॉन्फिडेंस बढ़े फिर आप उसके हिसाब से काम बढ़ा सकते हो। ओके, उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ओके, पहले तो सीखिए, पहले सब जितने भी आपका डर है या जो भी एक आपके मन में क्वेश्चन है उसको फेस कीजिए, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करते जाइए। ओके, और ये कहीं पर भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लोकेशन पे, जैसे पहले आप काम करते थे ए लोकेशन पे, अभी आप बी पे चले गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बी पे आप अभी काम नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। ओके नेक्स्ट। अभी ऑफ़र यहाँ पे ऐसा है कि देखो, अगर आप यही ये हमारा प्रोग्राम अगर हम आप 10 लोगों को शेयर करते हो और अगर वो हमसे फिर ये स्टार्ट करवाते, तो किसी भी एक लकी विनर को जो भी मिनिमम मतलब पकड़ के चलिए कि एक लकी ड्रॉ ओपन करेंगे, कहीं पे भी आप वीडियो में हम डिसाइड करेंगे ऑनलाइन, तो आपको सबको पता चल जाएगा कि भाई वो लकी विनर कौन है। तो इसके लिए आप एक काम भी कर सकते हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में या आई वांट लैपटॉप करके ऐसे भी कमेंट कर सकते हो। ओके, तो उसमें आप पार्टिसिपेट हो जाओगे और आपको उसके साथ रेफर भी करना है, मतलब जिस बंदे को भी आप बता रहे हो। ओके, उसके लिए क्या क्या डिटेल है क्या नहीं है, आप हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, और फिर कांटेक्ट करने के बाद हमारी टीम आपसे कॉल करके बता देगी कि इसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, फिर उसके हिसाब से आप ये स्कीम के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। ओके, तो रजिस्टर मतलब क्या है कि आप अपना जो भी क्वेश्चन है, अपने रिक्वायरमेंट है वो दे दीजिए, क्योंकि देखो पैसा का आप देना है जब पूरा सेटिस्फाई हो जाने के बाद, मतलब पूरा क्लियर हो जाने के बाद, पूरा क्वेश्चनिंग आंसर सब क्लियर हो जाने के बाद, तभी तक तो आप रजिस्टर ऐसे भी हो सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई रजिस्टर होने के लिए पैसा दो, नहीं, रजिस्टर आप ऐसे भी हो सकते हो। ओके, तो आपके क्वेश्चन जो भी इसके रिलेटेड रहेंगे आप पूछ सकते हो। जब ये मत सोचिए कि मेरा एजुकेशन कम है या मेरा एजुकेशन बहुत बड़ा है, क्या करने की ज़रूरत है, मेरे पास ऑलरेडी है। देखो कभी कभार कैसा रहता है कि हम कुछ भी चीज़ करने की सोचते हैं लेकिन उसके बारे में हमारा नॉलेज हमें लगता है कि बहुत है, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब भाई कैसे कंट्रीब्यूट करके आप कोई भी काम करोगे ना, तो उसमें आपका रिस्क भी कम हो जाता है, और दूसरी चीज़ वो जो गोल अचीव करना है उस गोल के भी आगे उसका दूसरा वाला गोल और रहता है, तो ये आप कभी नहीं देख पाते, क्योंकि आपके लिए लगता है कि भाई यही बहुत सबसे दुनिया का बड़ा गोल है, तो वैसा नहीं है। ओके, टारगेट हमेशा बढ़ा रखो, तभी आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके, वीडियो अगर पसंद आया रहेगा तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों फैमिली के साथ। ओके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम हमेशा बिजनेस से रिलेटेड हर एक बिजनेस क्यूरीज, बिजनेस टेक्निक, स्टडीज़, एजुकेशन, इससे रिलेटेड
हर एक वीडियो लाते हैं। अगर आपको भी लग रहा होगा कि नहीं ये वीडियोस में हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएं और उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये हेल्प हो जाए। क्योंकि देखो कैसा रहता है, हमेशा लोगों को मन में एक चीज़ रहती है कि भाई पढ़ लिख जा, अच्छे से नौकरी कर ले, बस पढ़ना लिखना क्यों, अच्छे से नौकरी करने के लिए। लेकिन आपको भी पता है कि अच्छे से नौकरी करके वक्त आप कितना कमा सकते हो और कितना सेविंग कर सकते हो। तो हम नौकरी जॉब के लिए ये तो नहीं बोल रहे कि वो गलत है या जो भी है, लेकिन हम इतना हमें पता है हमारे एक्सपीरियंस से या हमारा जो काम करते हैं उस टाइम से, कि आप बिजनेस में आप अगर अच्छे प्रामाणिक से एक ऑनेस्टली काम करोगे और कंटिन्यूटी रखोगे तो हमेशा अपने गोल आप अचीव कर सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए अगर कोई आपका भी क्वेश्चंस रहेगा रिलेटेड कुछ भी, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो हमारे मेल आईडी पे। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।